कोरोना संक्रमण लगातार जिला में अपने पैर पसार रहा है। सभी वर्ग इससे प्रभावित हो रहे हैं। पहले क्योंकि शिक्षण संस्थान नहीं खुले थे, इसलिए विद्यार्थी घरों में सुरक्षित हैं। लेकिन जब से शिक्षण संस्थान खुले हैं, तब से विद्यार्थी भी कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। सोलन जिला में कई नामी गिरामी स्कूल के विद्यार्थी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसके चलते उन स्कूलों को कंटेनमेंट जोन में बदल दिया गया है और कोरोना संक्रमण ज्यादा न फैले इसलिए आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उपल ने मीडिया को दी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उपल ने बताया कि सोलन, कसौली, चायल, कंडाघाट, धर्मपुर के कई स्कूलों में कोरोना संक्रमण दस्तक दे चुका है। सोलन का जाना माना स्कूल पाईग्रोव में भी करीबन 14 विद्यार्थी कोरोना मामले सामने आए हैं। स्कूल में करीबन 250 विद्यार्थी हैं, जिन पर स्वास्थ्य विभाग कड़ी नजर रखे हुए है। उनके आवश्यक टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं। उन्होंने सभी से कोरोना नियमों की पालना करने के लिए आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि जिला में विभिन्न स्कूलों की रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। अगर कहीं भी संक्रमण पाया जाएगा, उस स्कूल को कंटेनमेंट जोन में बदल दिया जाएगा। पर अभी तक जो पॉजिटिव आए हैं, 14 पॉजिटिव आए हैं और जो टोटल वहाँ पर लोग हैं वो 250 के करीब हैं। तो क्रम वाइज 2-3 दिन में जैसे जैसे उनका कॉन्टैक्ट का टाइम आता है तो उनकी सैंपलिंग। तो सर ऐसे और कितने स्कूल हैं जहाँ पर पॉजिटिव बच्चे पाए गए? स्कूल तो अब बीच में काफ़ी है, पर एग्जैक्ट नंबर कहना मुश्किल है। जैसे गुरुकुल में भी पाए गए हैं, जहाँ जहाँ पाए जा रहे हैं वहाँ पर हम कंटेनमेंट जोन करके सैंपलिंग करें। सर और स्कूलों के लिए क्या निर्देश है? स्कूलों के लिए तो यही निर्देश है कि हम उनकी रैंडम सैंपलिंग वगैरह कर रहे हैं और अगर हमारे को कोई भी पॉजिटिव निकलता है तो फिर हम कंटेनमेंट जोन बना लेते हैं, नहीं तो फिर जो हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव है वो चल